33 करोड़ देवी देवता, ये कैसे हो सकता है? 33 करोड़ देवताओं का पूजन, ये कैसे हो सकता है? ये 33 करोड़ है या 33 प्रकार है? नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका इनसाइट टू इंडियन कल्चर फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा के इस हिंदी एपिसोड में। टू वॉच दिस वीडियो एंड दिस एपिसोड इन इंग्लिश, गो टू भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अक्सर इस बात पर बहुत सारे वाद विवाद होते रहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता कैसे। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी भाषा को समझने के लिए हमें उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए, पर जब हम ट्रांसलेटेड वर्जन्स पढ़ते हैं, ट्रांसलेटेड वर्जन्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो उसका जो मूल शुद्ध अर्थ है उससे विपरीत भी हो जाता है। कोटि का अर्थ दो होते हैं, एक प्रकार और एक करोड़। और इसीलिए बहुत ये प्रचलित हुआ कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। और फिर कुछ विद्वानों ने ये मत भी दिया कि 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवता हैं। इन दोनों मतों का हम आज विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि दोनों ही चीज़ें कैसे संभव हैं। पहली चीज़, 33 प्रकार के देवी देवता। ये सत्य है कि 33 प्रकार के देवी देवता हैं और उनकी व्याख्या भी की गई कि वो क्या क्या हैं और कौन कौन हैं। 33 प्रकार के देवी देवता तो हमें साफ साफ समझ में आ जाता है, पर अब हम दूसरा जो विद्वानों का मत है यानी 33 करोड़, उसका विश्लेषण करते हैं। अक्सर मन में प्रश्न उठता है 33 करोड़ देवी देवता। पहले तो हमें ये समझना होगा कि सनातन संस्कृति में, और अगर हिंदी भाषा की भी बात करें, संस्कृत की नहीं, तो ईश्वर का अर्थ अलग है, भगवान का अर्थ अलग है, देवता का अर्थ अलग है। ये तीनों गॉड नहीं है, ईश्वर बिल्कुल अलग है, जिसके लिए कहा गया एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म तो एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, वो निराकार है, वो सर्व विद्यमान है। भगवान जो भग से उत्पन्न हुए हैं, देवता यानी ईश्वर, देवता, भगवान सब भिन्न हैं। और इसको समझने के लिए मे भी हम एक अलग एपिसोड बनाएंगे, पर आज का जो टॉपिक है उस पर हमें रहना है। और टॉपिक ये है कि क्या इतने सारे देवी देवता संभव हैं, क्यों हैं, उसको समझना आवश्यक। इतने सारे देवी देवता इसलिए कि हम वो संस्कृति हैं जो प्रत्येक जीव में देवत्व का अनुभव करते हैं, जो प्रत्येक जीव के दैवीय गुणों को देखते हैं, मानते हैं, जो ये मानते हैं कि प्रत्येक आत्मा में देवत्व है। और इसीलिए हम नमहते करते हैं, नमस्ते, तुम्हारे भीतर विद्यमान उस देवत्व को मेरा नमन। और सिर्फ मनुष्य के भीतर नहीं, हम हर जीव के अंदर देवत्व को देखते हैं। हम वृक्षों में देवत्व को देखते हैं, हम गरुड़ में देवत्व को देखते हैं, हम समुद्र में देवत्व को देखते हैं, नदियों में देवत्व को देखते हैं, जल में, वायु में, अग्नि में, सूर्य में, पृथ्वी में देवत्व को देखते हैं। दशावतार को भी अगर हम देखें तो उसमें वराह अवतार तक है, मत्स्य अवतार मछली में देख लिया। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पूर्वज ये जानते थे कि एक समय आएगा जब एक इतना बड़ा डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, और ऐसे में हम ऐसे संस्कार अपने आने वाली जनरेशन्स में डालें कि वो प्रेम के साथ जीना सीखें, वो प्रकृति के साथ, पशु पक्षियों के साथ सामंजस्य बना करके जीना सीखें, उनकी हत्या करके जीना ना सीखें, उनको मार करके जीना ना सीखें, इस भाव के साथ जीना ना सीखें कि मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। नहीं, इसीलिए ये भाव हम सब के मन में रहे कि प्रत्येक जीव के अंदर देवत्व है, 33 करोड़ देवी देवता हैं, प्रकृति में, पशुओं में, पक्षियों में, आपके साथ के मनुष्यों में, हर जीव में, हर लिविंग बीइंग में देयर इज लाइफ। एंड वी शुड रियलाइज हम उसके भीतर के देवत्व को समझ सके। और इसीलिए हम जो हैं वो प्रेम की संस्कृति हैं, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। तो हम सबको ये समझना होगा कि 33 करोड़ देवी देवता का अर्थ ये है कि हम हमारे आसपास की प्रकृति, हमारे आसपास के जीव जंतु, सबके भीतर प्रेम का भाव और हर किसी के अंदर देवत्व है, इस भाव के साथ जिए तो हम वैर से, क्लेश से, हेट्रेड से, सौरोस से, फीलिंग ऑफ जेलसी से,
रिवेंज, बदले की भावना से इन सब से दूर रहेंगे और जीवन में आनंदित रहेंगे। तो अगली बार अगर कोई आपसे कहे कि अरे तुम्हारे तो 33 करोड़ भगवान हैं, भगवान नहीं है, 33 करोड़ ईश्वर हैं, बिल्कुल नहीं है, 33 करोड़ देवता हैं, क्योंकि देवता, भगवान और ईश्वर भिन्न हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि देवता, भगवान और ईश्वर भिन्न कैसे हैं, तो हमें ज़रूर लिखिएगा। अगर आपकी ये, क्योंकि ये आपका प्रश्न आया था 33 करोड़ देवी देवता पर, इसलिए हमने ये एपिसोड बनाया। अगर आपके मन में प्रश्न है कि ईश्वर कौन, भगवान कौन और देवता कौन, और क्या ये तीनों गॉड हैं, जिसे हम गॉड में ट्रांसलेट कर लेते हैं, या इन तीनों के अर्थ भिन्न हैं, और क्यों अर्थ भिन्न हैं, ये प्रश्न अगर आपके मन में, तो आप हमें ज़रूर भेजिएगा। अगर आपकी क्वेरीज आई तो हम निश्चित रूप से अगला एपिसोड इसी टॉपिक पर बनाएंगे। हमारे इन वीडियोस को यंगस्टर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ये बहुत आवश्यक है कि ये हमारी जो संस्कृति का ज्ञान है, इसके पीछे का विज्ञान है, इसके पीछे के भाव हैं, ये सब हमारे यंगस्टर्स तक ज़रूर पहुंचे, ताकि अगली बार कोई उनको ये ना कहे कि तुम तो 33 करोड़ भगवानों की पूजा करते हो। नहीं, तो 33 करोड़ यानी 33 प्रकार भी और 33 करोड़ भी, और दोनों की व्याख्या आज आपको समझ में आ गई है। आप हमें अपने प्रश्न भेजते रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हम सब मिलकर आप एक स्वस्थ और सुंदर समाज का निर्माण तो कर ही सकें, अपनी संस्कृति की इन बहुत महत्वपूर्ण बातों को अपनी आने वाली पीढ़ियों तक ज़रूर पहुंचा सकें।